भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स। दोस्तों, जब से भारत में इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ है, तब से यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। और यही वजह है कि आज हम भारतीय इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में दुनिया के अंदर दूसरे स्थान पर आते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर वेबसाइट्स की भरमार है, पर जब बात भारत की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स की आती है, तब कुछ ही वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस मामले में बाजी मारी है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं वेबसाइट्स के बारे में। नंबर 10, wikipedia.org। विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश साइट है जिस पर जीवनी लेख शेयर होते हैं। मजे की बात यह है कि इसके आर्टिकल्स को दुनिया भर में कोई भी एडिट कर सकता है या कोई भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर सकता है। दोस्तों, विकिपीडिया कितनी अच्छी साइट है इसका अंदाजा आप इसकी डोमेन अथॉरिटी से लगा सकते हैं, जो कि 100 है। अब आंकड़ों की माने तो हर भारतीय दिन भर में कम से कम 4 मिनट से भी ज्यादा समय विकिपीडिया का इस्तेमाल करता है, जो इसे भारत की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स में से एक बना देता है, जहां पर आप हर क्षेत्र से जुड़ी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। नंबर 9, twitter.com। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में किया जाता है। ट्विटर को हम सभी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर लोगों को ट्वीट करके अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो फिलहाल ट्विटर भारत में 9वें स्थान पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट है, जिससे भारत के ज्यादातर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज को मिलाकर कुल 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जो दिखाता है कि भारतीय भी सक्रिय रूप से ट्विटर पर अपना समय व्यतीत करते हैं। नंबर 8, zoom.us। दोस्तों, 2020 से पहले तक zoom.us वेबसाइट का नाम बहुत ही कम भारतीय जानते थे, लेकिन जब 2020 की शुरुआत में चीन से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला, तब इसके चलते भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ गया, जिस वजह से सभी ऑफिस, कॉलेज और स्कूल बंद हो गए, और इसी का फायदा zoom.us वेबसाइट को मिला, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ता था, जिससे कोई भी न सिर्फ ऑनलाइन क्लास ले सकता है बल्कि मीटिंग तक अटेंड कर सकता है। वेल, अब क्योंकि अभी भी भारत में कोरोना वायरस का असर है, इसलिए अभी भी ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेस जूम पर ही ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, जिस कारण मौजूदा समय में zoom.us भारत में 8वीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट बन गई है। नंबर 7, flipkart.com। वैसे तो Amazon भारत की लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है, पर उसके बाद अगर हम भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी वेबसाइट को प्रेफर करते हैं तो वो है flipkart.com, जिससे आप मोबाइल, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, किताबें, आभूषण, घर, फर्नीचर, खेल के सामान के साथ साथ बहुत सी अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर फ्लिपकार्ट की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा बढ़ी है कि लोग अब अमेज़न की तरह ही फ्लिपकार्ट को भी तवज्जो दे रहे हैं, जिसे अब फ्लिपकार्ट भी अच्छे से समझता है। और शायद यही कारण है कि फ्लिपकार्ट अब समय समय पर कुछ निश्चित चीजों के ऊपर लोगों को डिस्काउंट भी ऑफर करता है, जिससे लोग और भी ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिसका फायदा फ्लिपकार्ट को मिल रहा है। दोस्तों, आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो 2021 के केवल जनवरी महीने में ही फ्लिपकार्ट के पास न सिर्फ 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे, बल्कि उसके डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस भी 100 करोड़ के आसपास थे, जो दिखाता है कि लोगों का विश्वास फ्लिपकार्ट पर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कंपनी का ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिसंबर 2022 तक फ्लिपकार्ट से कम 50 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, जो इसे भारत की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट बना देगा। नंबर 6, whatsapp.com। whatsapp.com एक ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसका एप्लीकेशन आपको हर एक भारतीय के स्मार्टफोन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, और शायद यही वजह है कि आज whatsapp.com भारत की 6ठी सबसे मोस्ट विजिटेड वेबसाइट बन गई है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ना सिर्फ अपने दोस्तों से चैट कर सकते हैं, बल्कि वीडियो कॉल और ग्रुप चैट्स का भी भरपूर मजा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें ऐड किए गए स्टोरी शेयरिंग फीचर्स ने तो इसे लोगों के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है, जिस कारण आज भारत में व्हाट्सएप के 48 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं, जो भारत को व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बनाता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि एवरेज भारतीय लोग महीने में कम से कम 21 घंटे से ज्यादा समय व्हाट्सएप पर व्यतीत करते हैं, जो भारत में व्हाट्सएप की लोकप्रियता को दर्शाता है। नंबर 5, amazon.com। Amazon के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, और हो सकता है आपने इससे शॉपिंग भी की हो, लेकिन क्या आपको मालूम है amazon.com नाम की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आज न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, बल्कि भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट भी है। हालांकि इसके अलावा फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कई और शॉपिंग साइट्स भी हैं, लेकिन Amazon इंडिया में सबसे ऊपर है।
वैसे तो पहले अमेज़न सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट हुआ करती थी, पर समय के साथ विकसित होते होते अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। दोस्तों 2018 में जब अमेज़न द्वारा प्राइम जैसी सेवा को शुरू किया गया, तब से ही इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ी है और मौजूदा समय में करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन है। नंबर 4, Instagram.com। Instagram.com यानी कि Instagram भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके मौजूदा समय में करीब 14 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय यूजर्स जुड़े हुए हैं। Instagram पहले एक इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जिसे साल 2012 में Facebook द्वारा करीब 7500 करोड़ रुपए की कीमत में खरीद लिया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान समय में Instagram की एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज भारत का लगभग हर सोशल मीडिया यूजर सक्रिय रूप से Instagram का इस्तेमाल करता है, और जब से Instagram ने रील्स को इंट्रोड्यूस किया है, तब से तो लोग इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा करने लगे हैं, जिस कारण आज एक एवरेज इंडियन अपने दिन का कम से कम 45 मिनट Instagram पर व्यतीत करता है। नंबर 3, Facebook.com। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि भारत में जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात आती है, तब उनमें Facebook का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि भारत में Facebook इस्तेमाल करने वालों की संख्या करोड़ों में है। Facebook का इस्तेमाल हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कनेक्ट रहने और जानकारी शेयर करने के लिए करते हैं, जिस वजह से अगर कोई भी इंटरनेट यूजर जो सोशल मीडिया के बारे में जानता है, उसका Facebook अकाउंट जरूर होता है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हम भारतीय रोजाना औसतन 2 घंटे से भी ज्यादा समय Facebook पर खर्च करते हैं, जो इसकी लोकप्रियता दर्शाने के लिए काफी है। नंबर 2, YouTube.com। YouTube भारत की दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट है, जो हमें पूरी दुनिया की वीडियो फ्री में दिखाता है। ये भी Google Corporation का एक हिस्सा है, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में दूसरे स्थान पर आती है। दोस्तों इसकी स्थापना साल 2005 में हुई थी, जिसके बाद साल 2006 में Google द्वारा करीब 12,400 करोड़ रुपए में इसे खरीद लिया गया था, और तब से लेकर आज तक इसका अकेले का वैल्यूएशन कुल 1,12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर भारतीय YouTube वेबसाइट पर दिन भर में कम से कम 40 मिनट तो बिताते ही हैं, क्योंकि इंडिया में वीडियो को ज्यादा ही लाइक किया जाता है, और आप चाहो तो YouTube से पैसे भी कमा सकते हो। नंबर 1, Google.com। Google.com एक सर्च इंजन टाइप की वेबसाइट है, जिसे मौजूदा दौर में भारत के अंदर सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। जब भी हमें किसी भी चीज को समझने में दिक्कत आती है, तब हम सबसे पहले उस चीज के बारे में गूगल करते हैं, क्योंकि गूगल के पास सारी जानकारी होती है। आज गूगल न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी वेबसाइट है, बल्कि गूगल के वर्तमान CEO भी एक भारतीय ही है, जिनका नाम सुंदर पिचाई है। वैसे ये बात सच है कि जब से गूगल हिंदी समेत भारत की विभिन्न भाषाओं के साथ उपलब्ध हुआ है, तब से ही भारतीयों की निर्भरता उसके ऊपर बढ़ी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत में हर इंटरनेट यूजर रोजाना लगभग 7 मिनट 52 सेकंड के लिए Google.com वेबसाइट का इस्तेमाल करता ही है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।